हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं, मेरा काम हो गया है शुरू। ये अंदर वाले बेडरूम से मैं ले आई हूँ, दोनों बेडरूम से, और किचन से भी झाड़ू ले आई हूँ। तो बस अब लॉबी बची है और ये बचा है, मतलब डाइनिंग रूम और ये लिविंग रूम बचा है। तो बस लिविंग रूम से ला रही हूँ झाड़ू। अभी तो सारे रूम एक जैसे ही, कोई सामान ही नहीं है, पर चलो ठीक है। क्या कर, सामान ला इस भी नहीं, इसलिए भी नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी ना, मतलब वो ये है कि रहना है नहीं, और फिर मतलब वही चोरी का डर भी रहता है ना, तो इसलिए ये कि जितना हो सके उतना कम सामान रहे तो ठीक है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग रही है और चप्पलें देख रहे होंगे आप, क्या ढेर लगी है। तो रात को ना चप्पल अंदर ही ले आ जाती, क्योंकि जो बाहर डॉगी वगैरह रहते हैं वो ना इधर उधर ले जा लेते हैं, इसलिए तो अंदर ही ले आती हूँ। और वैसे अंदर ही रहते जब हम बाहर जाते हैं तो फिर, तो चलो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। झाड़ू के बाद मैंने फिर मैं सीधे नाश्ता बना, नहीं पूछा भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हन्नू को मुझे पहले खिलाना है, 9 बजे से उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है ना, तो उसको उससे पहले मुझे खिलाना है, क्योंकि फिर वो बहुत टाइम लगाता है। आरफ तो ऐसे कि 5 मिनट की ब्रेक में खा लेगा। तो बस यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी रात की थी भिंडी की सब्ज़ी, वो ज़्यादा बनाई थी मैंने। और तो क्योंकि बच्चे इतना तो पसंद करते हैं नहीं, बच्चों ने भिंडी तो कम ही खाई, जैम में खाया उन्होंने दो, हाँ जैम में ही खाए उन्होंने, जैम में भी और थोड़ा बहुत रोटी में ऐसे ही खा, रोटी सब्जी में खाए। तो बस यहाँ पे बन रही है रोटी, और सब्जी मैंने गर्म करने रख दी क्योंकि फिर हन्नू को दे दूँगी वैसे वैसे नाश्ता ना। तो बस, और मैंने चाय भी नहीं पी क्योंकि अकेले ना चाय पीने का मन भी नहीं करता। तो हन्नू आ गया है अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और बस अब हो रही है उसकी डिमांड कि मैं इसमें नहीं खाना है, उसमें खाना है। मैंने कहा पहले एक रोटी भिंडी में भी खा लो, तो फिर यही है, तो सब्ज़ी भी खानी ज़रूरी है ना, और ग्रीन वेजिटेबल तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो बस नाश्ता बन रहा है और दोनों को अब मैं नाश्ता दे दूँगी। क्या हुआ? एक मिनट में भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, 9:30 हो रहे हैं और मेरा नाश्ता आ गया है। तो रोटी और सब्जी रात की थी भिंडी की, बच्चों ने तो थोड़ा सब्जी खाया, थोड़ा जैम खाया। हाँ। और इनकी चल रही है ऑनलाइन क्लास। हाँ। तो मैं तो चलो नाश्ता कर दी, पूजा मैंने कर दी है, नहा गई हूँ, कपड़े ऐसे आ गए। नए फोन में खींच लेता है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना दोस्तों। तो चलो इनकी क्लास अटेंड करती हूँ और नाश्ता करती हूँ, भूख भी लग रही है पेट में। तो पूजा भी मैंने कर ली है और बस, तो बस बारिश तो इतनी खतरनाक लगी हुई, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं, बिल्कुल भी। तो चलो बाद में मिलूंगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा बाद में बारिश रुक गई थी, मौसम खुलने सा लगा था, तो फिर मैंने कपड़े धुल दिए। मैंने कहा चलो कपड़े धुल देती हूँ, फिर उसके बाद मतलब खाना पीना बन गया था, उसके बाद मैंने कपड़े धुले। मैंने कहा थोड़ा ये है कि हवा निकल जाएगी, पानी निकल जाता है, हवा लग जाती है ना, तो थोड़ा कपड़े ठीक हो जाते हैं। और लेकिन क्या करें, मतलब जब तक मैं कपड़े डाल के गई, खाना खाया, बर्तन धुले, उसके बाद फिर से ही होने लग गई थी बारिश। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं, और ऐसे ही हो रहा है मौसम का, आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि कपड़े ना भले ही अंदर पंखा लगा के सुखाओ, और मशीन होती है तो मशीन के तो फिर भी वो होते हैं कि देखो इनमें कितना पानी निकल रहा है। अभी मैं जबकि घर वहाँ रूम से पानी निकल, वो बाथरूम से पानी भी वो करके आई, बट फिर भी इतना पानी निकल रहा है क्योंकि भाई गीले होते हैं। और मशीन की बहुत याद आ रही थी इस टाइम पर, मशीन के कपड़े होते तो पंखे में आराम से सूख जाते हैं। तो चलो जैसे वैसे निभाना ही पड़ेगा। तो बस कपड़े वगैरह डल गए, हमारे ही कपड़े थे वैसे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको मौसम, और कल से ना रोपाई लग रही है बगल में, मतलब हमारी समझ लो, क्योंकि अभी तो मतलब खेत उन्हीं के पास, वही करते हैं सारे ना, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है, वही रहते हैं तो वही करते हैं यहाँ पे। तो हमारी लग रही है रोपाई, गई तो मैं हूँ नहीं क्योंकि जाऊँ भी कैसे, इस बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस टाइम पर। लेकिन ये है कि कल ना थोड़ा बहुत रुक गई थी, तो इसलिए वो मतलब उन्होंने लगा दी थी। आज ये कि थोड़ा रुक गई थी खेत, तो उन्होंने लगा दी है रोपाई। और यहाँ पे ये आरव बना रहा है, तो यहाँ पे सैलेड कटू हो गया है और अब खाएंगे हम खाना। और वो भी नहीं खोल रखा है मैंने, मतलब लाइट भी नहीं खुली हुई है ना, तो यहाँ पे खाना लाते हैं अपने डाइनिंग रूम में। डाइनिंग टेबल तो है नहीं, बट चलो डाइनिंग टेबल नहीं है तो डाइनिंग रूम तो है ही। तो यहाँ पे खाना ला के इन्हें खाना, और अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1:15 ही हो रहा था, बट लग बच्चों को हो लग रहा था कि भूख लग गई, भूख लग गई। तो मैंने कहा चलो खा लो, और काम मेरा काम भी निपटेगा। और यहाँ पे ना मैंने नीचे पे ही कैमरा, वो मतलब ट्राईपॉड पे नहीं लगाया फ़ोन, नीचे पे ही ऐसे ही रखा है दीवार पे, बट अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी वीडियो बनी है। तो बस, और हन्नू को देखो फ़ोन पकड़ा हुआ है भाई, बट एक तो सुबह से क्लास में फ़ोन, फिर उसके बाद भी फ़ोन, तो इसलिए मैं खिला के फिर सुला देती हूँ बच्चों को जल्दी से।
आँखों को रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है ना। और इस फ़ोन की एक तो स्क्रीन छोटी रहती है तो उससे बच्चे ना ज़्यादा जोर भी पड़ता है, और दवाई भी वैसे भी हन्नू की चल रही है, और हन्नू की एक्सरसाइज के लिए जो मतलब आई पैच उसके लगते हैं वो भी नहीं लाए, तो फ़ोन छीन लिया मैंने उनसे। और अब खा रहे हैं खाना तो सिंपली तो मिक्स करके देना पड़ता है, और आप बोलेंगे पहले खुद खा ले, तो टमाटर वगैरह जो भी होता है प्याज वो पहले छान के मुझे खाना पड़ता है, फिर उसे देती हूँ मैं मिक्स करके। तो बस और आराम। और बच्चों को ना खाते समय सारी बातें भी याद आती है, पता नहीं क्यों, वैसे बोल रहा मैं मिर्च खा लूँ मिर्च खा लूँ तो बस वही कर रहा था यहाँ पे। सो फ्रेंड बज गए हैं 2:30, और जब तक कपड़े डाले हमने खाना पीना खाया, खाना खाया ही था, मैं चावल थोड़ा साफ़ कर रही थी, भाभी लोगों ने दिए थे चावल ना, तो वो मैं सूप से, सूप तो थे नहीं पर परात से मैं उसे साफ़ कर रही थी, वो रहता ना धान का जो कबाड़ा रहता है वो था, तो वो थे चावल, उन्हें साफ़ करी थी, तब तक बारिश आ गई, फिर गई छत पे तो ये कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए, तो कपड़े फैला दिए यहाँ, और खाना भी खा लिया है, बर्तन धुल लिए हैं, किचन मेरी एकदम चकाचक है। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, बस रेस्ट करते हैं, फिर उठेंगे शाम। एक तो बज जाती है ऐसे ही बच्चों की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में 1 बजे तक चलती है, फिर उसके बाद खाना खाओ बस उतना ही टाइम हो जाता है, उसी बीच में खाना भी बना लेती हूँ। कपड़े तह लगाने के लिए बेडशीट वगैरह जो धुली थी ना कल, धुली थी हाँ, वो तो कल थोड़ा वो सूख गई थी तो अंदर डाल के बिल्कुल सूख गई है, बस आज के कपड़े तो गीले ही रह गए। अभी वैसे बारिश हो नहीं रही है लेकिन वही फिर डालूँगी, फिर बूंदाबांदी आ जाएगी, तो मैंने अंदर ही फैला दिए, अब सूख जाएंगे जैसे भी सूखे। और पता हमने ना पैर ना इधर खिसका रखा है इधर से इधर, क्योंकि वहाँ पे खिड़की है इसलिए सोने के लिए कि डर लगेगा, इसलिए इधर खिसका रखा है। तो जब स्कूल में रहते थे तो मम्मी ना जल्दी से खाना बना के लेती थी, और जब ऑनलाइन क्लास में तब थोड़ी देर में, देर में 1 बजे खाना बन गया था, देर हो गई थी हाँ। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में। तो फ्रेंड्स सो के उठ गई थी मैं, और 5:30 हो रहे थे, मैं उठी क्या थी, मैं तो सोई थी, मतलब आरफ के पापा का फ़ोन आ गया था तो उठ गई मैं, तो फिर देखा मैंने बाहर धूप लगी है तो मैं कपड़े भी डाल के आ गई छत के ऊपर, और खिड़की वगैरह खोल दी थोड़ा, खिड़की परसों ना एक रूम की खिड़की हमारी भीग गई थी बारिश से, तो वो खिड़की भी मैंने खोल दी, मैंने थोड़ा धूप लग जाएगी, गर्माहट तो रहती है। और यहाँ पर जो कल के कपड़े थे मैंने कहा चलो इन्हें तय लगा देती हूँ, और वैसे ठंडे ठंडे लग रही है पर चलो अब मैंने तय तो लगा ही देती हूँ जिस दिन वो करूँगी। और लाइट जा रखी है इस टाइम पे, इसलिए अंधेरा भी लग रहा है, तो बस लाइट लाइट जा रखी। तो 2 बेडशीट थी और मेरे कपड़े थे, बस इतने ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।